माता की जय। आज पूरे देश के लिए हर्ष का विषय है। मैं सर्वप्रथम समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देश के उन होनहार वैज्ञानिकों को बधाई देता हूँ जिन्होंने पूरे विश्व पर भारत का तिरंगा को लहरा दिया, क्योंकि इसके पूर्व जब चांद पर किसी भी देश के चंद्रयान उतरे तो वो लगभग अमेरिका का 13वीं बार में, रशिया का अभी 25 तारीख को ही फेल हो गया था कि वो क्रैश हो गया था, और हमारे वैज्ञानिकों ने दूसरी बार में भी, और वो भी दक्षिण ध्रुव पर उतार कर एक इतिहास रखा भी पूरे विश्व में। नासा भी उसके लिए बधाई दे रहा है। मैं साथ ही बधाई देना चाहता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। जब हमारा चंद्रयान पहली बार फेल हुआ और वो उसमें सफल नहीं हुए तो उन्होंने वैज्ञानिकों का कहा कि आप वहाँ तक पहुँच गए, आप पुनः प्रयास करें। पूरे देश की 140 करोड़ जनता और देश की सरकार आपके साथ है, और निश्चित तौर पर हमारे देश के वैज्ञानिकों ने अथक मेहनत और परिश्रम कर इन 4 वर्षों में चंद्रयान 2 का पुनः निर्माण किया, और आज सफलता के साथ चंद्रमा पर उतार कर पूरे विश्व को यह बता दिया कि किसी भी क्षेत्र में भारत पीछे नहीं है। आज पूरा देश सेमी कंडक्टर यदि नहीं बनते थे तो वो भारत में बनने लगे। आज तेजस जैसे युद्धक विमान भारत में बनने लगे, तो आने वाले समय में भारत महाशक्ति बनेगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मैं पुनः समस्त देशवासियों को इस सफलता के लिए, वैज्ञानिकों को और देश के प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही वो देश की प्रतिभा को पूरे विश्व को बताने का काम करेंगे। आप सभी को पूरा बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की जय। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज भारत ने असंभव कार्य को संभव कर दिखाया, और जो दक्षिण जहाँ पर आज तक कोई नहीं पहुँच पाया वहाँ पे भारत ने पहुँच के एक नई उपलब्धि दी है। मैं मेरी ओर से और परिवार की ओर से वो पूरे 140 करोड़ लोगों की ओर से पूरे वैज्ञानिकों एवं समस्त जिनने भी इसमें सहयोग करा है सभी को बहुत शुभकामना देता हूँ। भारत माता की जय।